जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजदूरों के कार्य समय सीमा बढ़ाने का ये पूरा मामला और सरकार ने कार्य बढ़ाने के आदेश को लिया वापस। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने कारखानों में कार्य के घंटों को घटाया है। यहां पर सरकार ने कारखानों में 12 घंटे की कार्य अनुमति को वापस ले लिया है। अब श्रमिकों को कारखानों में 8 घंटे के लिए ही कार्य करना होगा। श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर, कारखाना बॉयलर मंत्री टीकाराम जूली ने इसकी पूरी जानकारी दी है। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को राहत। यहां पर 12 घंटे की जो अनुमति थी उसे वापस ले लिया गया है। 8 घंटे ही मजदूरों को अब कार्य करना होगा फैक्ट्रीज में। कार्य बढ़ाने के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने कारखानों में 12 घंटे की कार्य अनुमति को वापस लिया है। श्रमिकों को कारखानों में अब 8 घंटे ही कार्य करना होगा। कारखाना बॉयलर मंत्री टीकाराम जूली ने इसकी जानकारी दी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, बड़ी राहत की खबर यहां पर श्रमिकों के लिए, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? चौबीस अप्रैल को एक फैसला लिया गया था कि मजदूरों की संख्या कम थी, ऐसे में कारखानों में जो कार्य सीमा है, जो मजदूरों की कार्य समय सीमा है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया था। मजदूरों की जो कार्य समय सीमा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे 24 अप्रैल को ये फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया था, लेकिन अब चूंकि स्थिति सामान्य की ओर लगातार बढ़ रही है, नियंत्रण में है, कोविड-19 का संक्रमण लगातार कम हो रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने श्रम विभाग की ओर से ये फैसला वापस लिया। विभाग की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और जो मंत्री है टीकाराम जूली उनकी ओर से ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि जो 24 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कारखानों में काम के जो घंटे को बढ़ाया गया था, उस फैसले को पुनः आज वापस लेते हुए श्रमिकों को कारखानों में जो समय सीमा है वो 8 घंटे प्रतिदिन की वापस कर दी गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश।